हेलो दोस्तों, मैं काव्या अपनी कहानी के पिटारे में से आपको अवारा मसीहा कहानी सुना रही थी। अब तक आपने इस कहानी में सुना कि मास्टर मुसाई राजू के घर जाते हैं और उसे अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान निकालो। इसके बाद मास्टर जी अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ अब आगे जानते हैं। अगले दिन संध्या को एक बड़ी रस्सी लेकर राजू और शरद अपने दल के साथ छाया पथ पर जाकर जम गए। उसी पथ से साहब रोज क्लब जाया करते थे। ठीक समय पर टमटम के आने का शब्द हुआ। राजू ने अपने साथियों के साथ सड़क के दोनों ओर पेड़ों में वह रस्सी बांध दी। साहब सपने में भी इस बात की कल्पना न कर सकता था। वह उसी शान से चला आ रहा था कि घोड़ा रस्सी में उलझ गया और निमिष मात्र में साहब उछल कर रास्ते पर जा गिरा। राजू इसी अफसर को टोह में था। जी भर कर उन सब ने साहब को पीटा और कहा, फिर कभी किसी बेकसूर मुसाफिर को मारोगे? साहब ने कहा, कभी नहीं, माफ करो। राजू बोला, घर जाओ अब। साहब चुपचाप वहां से चला गया। वह इतना लज्जित हुआ कि फिर भागलपुर में नहीं रह सका। बदली करा के कहीं और चला गया। माघ मास में भागलपुर में दारुण शीत पड़ता था। उसी समय बंगला स्कूल के पंडित जी की पत्नी का देहांत हो गया। पंडित जी स्वयं भी रोगी थी। बच्चा उनका बहुत छोटा था। अब दाह संस्कार हो तो कैसे हो। एक स्कूल के हेडमास्टर ऐसे अवसरों पर पंडित जनों की सहायता करने को सदा उदित रहते थे। उन्हें खबर मिली तो वह अपने अनुचरों का दल लेकर सहबदा की व्यवस्था करने के लिए उपस्थित हो गए। अनुचरों का यह दल राजू और शरद का ही दल था। उस दिन अमान निशा थी, आकाश मेघाछन था और शमशान था 2 कोस दूर। सब यात्रा आरंभ हुई ही थी कि टप टप वर्षा पड़ने लगी। तब लालटेन बहुत सुलभ नहीं थी। छेदों वाली डंडी में रखा हुआ तेल का दिया ही मार्गदर्शन कर रहा था। तेज तेज कदम रखते और हरी बोल पुकारते वे आगे बढ़ रहे थे कि वर्षा और भी तेज हो गई। देखते देखते पथ घाट सब जलमग्न हो गया, यहाँ तक कि लाश भी भारी हो गई। सोचा सबको इमली के पेड़ के नीचे रखकर सांस ले लेनी चाहिए। तभी ओले पड़ने लगे, बैठना असंभव हो गया। अब मुर्दे का क्या हो, उसे अकेला कैसे छोड़ू। राजू ने कहा, आप सब जा सकते हो, मैं यहाँ रहूंगा। बहुत देर बाद जब वर्षा बंद हुई तभी वे लोग लौटे। मुर्दा वैसे ही रखा हुआ था लेकिन राजू का कहीं पता नहीं था। वे समझ गए कि हजरत चकमा दे गए, लेकिन वे अभी कुछ निर्णय भी नहीं कर पाए थे कि उन्होंने देखा लाश धीरे धीरे हिल रही है। सहसा चित्कार करके वे भाग चले और कुछ दूर पर खड़े होकर जनेऊ हाथ में लेकर जोर जोर से राम राम पुकारने लगे। लाश धीरे धीरे हिलती रही, फिर ऐसा लगा जैसे वे उठने लगी हो। राम राम का स्वर घोष और भी तीव्र हो उठा और उसी के साथ लाश भी उठकर बैठ गई। भागो भागो चीखते हुए वे लोग भाग चले, लेकिन तेज हंसी का स्वर सुनकर पीछे मुड़े तो क्या देखते हैं कि कफन के भीतर के जोर जोर से हंसता हुआ राजू बाहर निकल रहा है। शाबाश बेटा, जीते रहो, यही मर्दों का काम है, उन लोगों ने ऐसा कहा। राजू के इन दुस्साहसी कार्यों का ठीक लेखा जोखा किसी के पास नहीं है, परंतु यह सच है कि रॉबिनहुड जैसे चरित्र भी उसके सामने अम्लान पड़ जाते थे। असीम साहस उसकी अस्त्र दया माया की नींव पर ही खड़ी थी। जो अभावग्रस्त थे उनका वह मित्र था और जो बदमाश थे उनके लिए वह साक्षात यम था। उसे मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए उसकी बांसुरी और संन्यास वृत्ति दोनों चरम सीमा पर थी। कालांतर में कथा शिल्पी शरद ने बच्चों के लिए जो कहानियां लिखी उनका आधार ये और ऐसी ही बहुत सी घटनाएं हैं। ये ही घटनाएं उनकी बैठ की गल्पों में भी आई है। उन्होंने लिखा है, राजू अधिक लिखा पढ़ा नहीं था, परंतु उसमें अनंत गुण थे। उस उम्र में इस तरह का ऊंचे आदर्श वाला आदमी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। शरद भी कम दुस्साहसी नहीं था। राजू के साहचर्य से
वे और भी निडर और दुर्दम हो उठा। उन दिनों भागलपुर में चोरी डकैती बहुत होती थी। सभी लोग सजग रहते थे और रात में हथियार लेकर सोते थे। उस समय राजू के एक भाई मणिन्द्रनाथ कॉलेज में पढ़ते थे। विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हो रही थी। रात को देर देर तक जागकर पढ़ना पड़ता था। उनका कमरा गंगा तट पर वट वृक्ष के बिल्कुल पास था। आसपास कांस का जंगल था जिसमें भयंकर सांप और रीछ आदि भरे पड़े थे। एक रात पढ़ते पढ़ते सहसा मणिन्द्रनाथ ने खिड़की पर आहट सुनी। वह सजग हो उठे, तभी देखा जैसे मनुष्य का सिर उभर रहा हो, जैसे वह अपने को छिपा रहा है। उन्होंने तुरंत बंदूक संभाली, लेकिन वह दागने ही वाले थे कि किसी ने पुकारा, मड़ी मड़ी क्या करते हो, बंदूक मत चलाओ, यह मैं हूँ। मैं कौन? मैं शरद। हतप्रद मड़ी देखते रह गए। कई क्षण बाद बोले, हे भगवान, इतने सवेरे इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें डराने आया था। रात के 2 बजे थे। न जहरीले सांपों की चिंता, न भयानक रीछों का डर। दुस्साहस के क्षेत्र में शरद राजू का साथी था, परंतु साहित्य के क्षेत्र में उसका राजदार अभी कोई नहीं था। हाँ, कुछ इस रहस्य के बारे में जानते भर थे। उसके सिर पर लंबे लंबे बालों को देखकर वे कहा करते थे, उसने बाल इसलिए बढ़ाए हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के समान कवि बनना चाहता है। रविन्द्रनाथ तब तक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और साहित्य के क्षेत्र में किसी के पर्दार्पण करने का अर्थ रविन्द्रनाथ बनना। बंकिम ग्रंथावली भी वह पढ़ चुका था। उपन्यास साहित्य में इसके बाद भी कुछ है, यह वह उस समय सोच भी नहीं पाता था। उसका पहला उपन्यास बासा या काकबासा पूरा हो चुका था। केवल मामा सुरेंद्रनाथ ने उसे छिपे छिपे लिखते देखा था। घंटों पर घंटों न जाने कहां से आकर कहां चले जाते थे, पर उसका लिखना नहीं रुकता था। लेकिन बाद में यह रचना उसे पसंद नहीं आई। पिता की तरह उसने इसे पढ़ा, सोचा कि क्या यह रविन्द्रनाथ जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती, तब व्यर्थ है। लिखूंगा तो रविन्द्रनाथ जैसा, नहीं तो नहीं। और एक दिन उसने उसे फाड़कर फेंक दिया। काशीनाथ भी अभी इस योग्य नहीं हुआ था। उसे वह लंबी कहानी का रूप दे रहा था। कोरेल ग्राम कहानी का आरंभ भी देवानंदपुर में हो गया था, लेकिन उस रूप में वह अभी प्रकाशित नहीं हो सकी। लिखने की इच्छा बराबर तीव्र हो रही थी। मन में भीतर ही भीतर एक प्रकार की कामना उभरती। इस दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की चीजें देखते सुनते हैं, उन्हें क्या कोई रूप नहीं दिया जा सकता? आरंभ में वह यहाँ वहाँ से चुराकर लिखता था। अभिज्ञता न होने के कारण कुछ अच्छा नहीं लिख पाता था। लेकिन जैसे जैसे जीवन की पाठशाला में नाना अभावों का कारण अभिज्ञता प्राप्त हो गई, वैसे वैसे ही उसकी लेखनी में बल आता चला गया। कहानियां गढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिज्ञा निरंतर प्रगति पर रही थी। जिस समय दूसरे साथी फुटबॉल खेलते थे, तब वह छोटी आयु के बच्चों को घेर कर बैठ जाता और कहानियों पर कहानियां सुनाकर उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता। बीच बीच में पूछता रहता, कैसी लगी रे? बेचारे बालक, पता नहीं वे कुछ समझते भी थे या नहीं। इस अदम्य साहसी और कथा विद्या विशारद से यही कहते, बहुत अच्छी लगी दादा, राज लक्ष्मी श्रीकांत के बारे में यही तो कहती हैं। इसमें आश्चर्य क्या? आनंद, अपने मन की बात दबाते दबाते और कहानियां गढ़कर सुनाते सुनाते इस विद्या में ये पूरी तरह महोपाध्याय हो गए हैं। इन दुस्साहसिक कार्यों और साहित्य सृजन के बीच प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम कभी का निकल चुका था और सब बाधाओं के बावजूद वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया था। अब उसे कॉलेज में प्रवेश करना था, परंतु सदा की तरह फीस देने का प्रश्न फिर बाधा बनकर आ उपस्थित हुआ। जो व्यक्ति प्रवेशिका परीक्षा की फीस नहीं दे सकता था, वह कॉलेज का खर्च कैसे चलाएगा? लेकिन माँ की कामना थी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, इसलिए उसने किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े। अंत में छोटी नानी कुसुम कामनी ने शरद की रक्षा की। पति के परामर्श करके उसने उसे घर के छोटे बच्चों को ट्यूशन नियुक्त कर दिया। बदले में उसको कॉलेज की फीस और पुस्तकों का खर्च चलाने लायक पैसे मिल जाते।
मामाओं को पढ़ाने के बाद वह स्वयं पढ़ता था। आधी रात बीत जाती, सवेरे उठना उसे कभी प्रिय नहीं था। उस दिन कॉलेज के प्रथम वर्ष में विज्ञान की परीक्षा होने वाली थी। पहली रात को उसने अपने सब विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, कल मेरी परीक्षा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज रात तुम मुझे परेशान मत करना, जो कुछ भी पूछना हो कल सवेरे आकर पूछना। विद्यार्थी चले गए और वह मोटी मोटी विज्ञान की पुस्तकें ले पढ़ने बैठ गया। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद कर ली। दूसरे दिन सवेरे विद्यार्थियों का दल नियत समय पर आ पहुंचा। देखा अभी तक लैंप जल रहा है और शरद दत्त चित्त होकर पढ़ने में लगा है। उनके आने की आहट पाकर वह चौंका और नाराज होकर बोला, कितना मना किया था कि आज रात मुझे परेशान मत करना, कल मेरी परीक्षा है, मैं नहीं पढ़ा सकूंगा, लेकिन तुमने नहीं सुना। विद्यार्थी विस्मित चकित एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी तरह एक मामा ने साहस करके कहा, वह तो कल रात की बात थी, अब तो सवेरा हो चुका है। शरद ने सहसा उठकर खिड़की खोली तो सुबह की सुनहरी धूप कमरे में फैल गई। पढ़ने की ऐसी धुन थी, तभी तो विज्ञान के प्रश्न पत्र के उत्तर देखकर स्वयं अध्यापक महोदय चकित हो गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं आ रहा था कि शरद ने ये उत्तर लिखे हैं। सोचा कि अवश्य ही इसने पुस्तक से नकल की है। उन्होंने शरद को बुलाया और फिर से नया प्रश्न पत्र बनाकर देते हुए कहा, इन प्रश्नों के उत्तर दो। इस बार जबानी ही इन प्रश्नों के उत्तर देकर उसने अध्यापक महाशय को चकित कर दिया। उसकी स्मरण शक्ति सचमुच असाधारण थी, परंतु धीरे धीरे राजू से उसका संपर्क बढ़ता जा रहा था। देखते देखते वही मुख्य हो गया और शेष गतिविधियां पृष्ठभूमि में चली गईं। मछली चोरी और जरूरतमंदों की सहायता में वह अधिक रुचि लेने लगा। गाना बजाना सीखने का शौक इतना प्रबल हो गया कि यात्रा थिएटर करते करते बहुत रात बीत जाती थी। इसके बाद अर्ध निशा में पढ़ने का प्रयत्न करता था। यह सब देखकर माँ बहुत दुखी हुई, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अच्छे विद्यार्थी के रूप में उसने जो ख्याति अर्जित कर ली थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक इसी समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई। घोर दरिद्रता में इस सरल प्राणासती माँ ने अपने स्वप्नदर्शी निठल्ले पति के परिवार की कैसे प्राण रक्षा की, इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। एक संपन्न और भरे पूरे परिवार की कन्या होकर भी उन्होंने वधू के रूप में कभी सुख नहीं पाया, बल्कि उनका सारे का सारा जीवन परिवार पेट पालने के प्रयत्न में ही खप गया। एक भाग्यवादी हिंदू प्रतिवर्ता की तरह एक एक करके उन्होंने सभी गहने बेच दी और बार बार अपने पिता चाचाओं से सहायता मांगी, इसलिए कि उनका बड़ा बेटा शरद किसी योग्य बन सके। न जाने कितनी बार उन्होंने असीम स्नेह से भरकर कहा होगा, शरद मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अपनी सारी शरारतों के बावजूद तू एक अच्छा लड़का है, तू मन लगाकर पढ़ता रहे, मैं तेरी सहायता करूँगी। लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उनकी यह आशा भो छिड़ होने लगी थी। वह असमय ही वृद्धा हो गई थी। आखिर चारों ओर से दुख और चिंताओं से घिरकर उन्होंने प्राणों का विसर्जन कर दिया। उनके जीवन में वे क्षण भी आए जब उनका असंतोष उबल उठा। उन्होंने पति को बुरा भला भी कहा, लेकिन अधिकतर तो वे अपने आत्म भोले निठल्ले पति को एक प्रतिवर्ता नारी की तरह प्यार ही करती रही। सुभद्रा भी तो यही करती है। स्वामी का सुख उसने एक दिन भी नहीं पाया, कम से कम उसे याद नहीं। उसी स्वामी को अन्य व्यंजन खिला देने में उसे कितना आनंद, कितनी तृप्ति मिलती है, इसकी ठीक ठीक धारणा वह आप ही नहीं कर पाती। आनंद से उसकी आंखों के कोने में आंसू भर आते। भुवन मोहिनी यही प्रेम प्लवित आत्मा थी। सारा शरद साहित्य इसी प्रेम प्लवित आत्मा के मुक्त प्रवाह से अलोकित है। माँ शब्द में जो कोमलता, जो त्याग, जो वात्सल्य और जो महान दायित्व गर्भित है, उसी को मूर्त करने में उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी। लेकिन उसके वात्सल्य में एक विशेषता है, वे अपनी कुक के जाय के लिए ही प्रकट नहीं होता, बल्कि नारायणी, विश्वेश्वरी, हेमांगनी, बिंदु आदि के समान उनके लिए भी अजत रूप से छरता है, जो संतान स्थानीय होने पर भी अपनी संतान नहीं है। भुवन मोहिनी अपने पिता के परिवार में जीवन भर यही करती रही और इसलिए
अपनी सारी शरारतों के बावजूद शरद को अपनी माँ के प्रति असीम प्यार था। प्रवेशिका परीक्षा पास करने के बाद माँ ने कहा, मुझे तारकेश्वर जाना होगा, मैंने तेरे बाल चढ़ाने की मान्यता मानी थी। शरद ने बड़े चाव से लंबे लंबे बाल रखे थे, इन्हें कटवा देने की कल्पना मात्र से वह कांप उठा। कैसी शक्ल हो जाएगी उसकी बिना बालों के। ना ना, वह बाल नहीं कटवा सकेगा, इतना आस्तिक नहीं है वह। माँ बोली, न कटवा, मैं कुछ और व्यवस्था कर लूंगी। शरद बोला, क्या कर लूंगी? माँ बोली, नायन को बुलाकर अपने बाल कटवा लूंगी और भेज दूंगी। बिना एक शब्द बोले शरद उसी रात तारकेश्वर के लिए रवाना हो गया। यदि मोतीलाल भुवन मोहिनी जैसी संगनी और सहज धर्मिणी न मिली होती तो वे बहुत दिन न जी पाते। सुरेंद्रनाथ ने लिखा है, दोपहर बीत चुकी है, शरद ऋतु की धूप और भी मंद पड़ गई है। धागे के सहारे किसी तरह आंखों पर चश्मा लगाए मोतीलाल पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हैं। न जाने कब से यह क्रम चल रहा है, भुवन मोहिनी तब अपने मन से गुड़गुड़ी तैयार करके ला देती। मोतीलाल कृतज्ञता से गदगद होकर पूछते, तुम्हें कैसे पता लग गया कि मेरा मन तंबाकू पीने का कर रहा है? भुवन मोहिनी अर्ध उन्मिलित नैनों में आदर भरकर पति को देखती हुई कहती है, कैसे पता लग जाता है यह मैं स्वयं नहीं जानती। मोतीलाल उत्साहित होकर बोल उठे, अजी एक दीवा तो ला दो। भुवन मोहिनी उत्तर देती है, सारा सारा दिन सिर गड़ाकर पढ़ते रहते हो, अब जाओ जरा घूम आओ। और फिर इच्छा न होने पर भी मोतीलाल तब घूमने निकल पड़ते। घर में शरद के अतिरिक्त दो छोटे भाई प्रभास और प्रकाश तथा एक छोटी बहन सुशीला उर्फ मुनिया थी। इसी बहन की प्रसूति में माँ ने प्राण दिए थे। बड़ी बहन अनिला की शादी हो चुकी थी। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी अब संभव नहीं था। कथा शिल्पी ने देवदास में लिखा है, अपने मामा के यहाँ रहना उसने बहुत दिनों से छोड़ दिया, वहाँ उसका किसी तरह से सुभिता नहीं बैठता। मोतीलाल अब खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगे। अलग तो वह ससुराल में रहकर भी रहते थे, लेकिन अब वह उससे दूर चले गए। लेकिन जो अब तक अर्जन की विद्या में शून्य थे, वह परिवार का पालन कैसे करते, इसलिए वह विकट समस्या उन्हें हताश करने में ही समर्थ हो सकी। भुवन मोहिनी की मृत्यु ने मोतीलाल को ही नहीं तोड़ा, शरद के संसार को भी भंग कर दिया। माँ यदि और कुछ जीती रहती तो मेरा जीवन बहुत सुंदर हो सकता था। मैं अंकित चित जो कुछ लिख पढ़ सका वह उन्हीं के आग्रह और चेष्टा का फल था। उनकी अकाल मृत्यु से मेरा संसार भंग हो गया। जिस समय शरद चंद का जन्म हुआ था वह चहुमुखी जागृत और प्रगति का काल था। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम की असफलता और सरकार के तीव्र दमन के कारण कुछ दिन शिथिलता अवश्य दिखाई दी थी, परंतु वह तूफान से पूर्व की शांति जैसी थी। शीघ्र ही क्रांति का स्वर फिर फूटने लगा। साहित्य में इस स्वर की सबसे पहले अभिव्यक्ति हुई बंकिम चंद्र के आनंद मठ में। इसी उपन्यास ने आधुनिक बंगाल को जन्म दिया, जो कालांतर में सारे देश की प्रेरणा बन गया। लेकिन तुरंत इस असफलता का परिणाम यह भी हुआ कि लोगों का ध्यान राजनीतिक उथल पुथल से हटकर सामाजिक क्रांति की ओर उन्मुख। सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति सफल नहीं हो सकती, यह सत्य जैसे अब स्पष्ट हो गया। इसीलिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सारा देश सामाजिक क्रांति की पुकार से गूंज उठा, और शीघ्र ही उसके रंगमंच पर उस क्रांति के अनेकानेक मानसिक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तराधिकारी प्रकट होने लगे एक के बाद एक। इन उत्तराधिकारियों ने मानसिक स्वाधीनता का जो बीज बोया उससे देश की चेतना को जैसे मार्ग मिल गया, वह नाना रूपों में अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगी। इस क्षेत्र में भी बंगाल सबसे आगे रहा। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं, परंतु सबसे पहले उनकी दृष्टि धर्म की ओर ही आकृष्ट हुई थी। इसका कारण खोज लेना कठिन नहीं है। इन दिनों देश में पश्चिम की सभ्यता और सांस्कृतिक शासकों का कारण उतने नहीं फैली जितनी पादरियों के कारण। बंगाल इन पादरियों का प्रधान केंद्र बन गया था। आरंभ में
इनका स्वागत नहीं हुआ, परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इनके कारण ही देश में, विशेषकर बंगाल में, सामाजिक चेतना का उत्थान और विकास हुआ। ये चेतना पैदा करना उनका ध्येय नहीं था, परंतु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें शिक्षा और सुधार का काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अपने धर्म की श्रेष्ठता दिखाने के लिए वे अपने धर्म की कुरीतियों का प्रदर्शन करते थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी समझदार लोगों के मन में चेतना जागी और अनायास ही अपने धर्म में सुधार करने का प्रश्न उनके सामने आ गया। उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूलाधार था, उसके बिना समाज सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती। इसलिए राम मोहन राय ने अपने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने निराकार ब्रह्म की साधना, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद को अपने धर्म का शुद्ध रूप प्रमाणित करने की चेष्टा की, और इसी उद्देश्य में उन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की। इस सभा में धर्म चर्चा के अतिरिक्त जाति भेद समस्या, सहमरण, कुलीन प्रभा, सहभोज, निषिद्ध खाद्य समस्या, बाल विधवा, बहुविवाह और सती प्रथा आदि सामाजिक कुप्रथाओं पर भी विचार किया जाता था। यही समाज सुधार का श्री गणेश था, जो बाद में सारे भारत में व्याप्त हो गया और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसोफी आदि संस्थाओं के रूप में प्रकट हुआ। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन दृष्टि साहित्य ये सब इस काल के महाप्रणाय थे। शरद का जन्म राजा राम मोहन राय के मृत्यु के 43 वर्ष बाद हुआ था, और जब वह दिशाहार होकर मार्ग की खोज में भटक रहा था तथा उसकी साहित्य साधना प्रेम की पीड़ा के भीतर से उन्मुख हो रही थी, तब दूसरे अधिकांश सुधारक भी स्वर्गवासी हो चुके थे, परंतु उनकी जलाई हुई बौद्धिक स्वतंत्र देश प्रेम और समाज सुधार की ज्योति प्रखर रूप से प्रदीप्त हो रही थी। इसी महामंथन का प्रभाव जीवन के सभी अंगों पर पड़ रहा था। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर ने भारतीय नारी के कष्टों को दूर करने के लिए संभवतः सबसे पहले कोई ठोस कदम उठाया। इस क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा कार्य था विधवा विवाह का समर्थन। बहुविवाह और कुलीन प्रथा पर भी उन्होंने प्रहार किया, परंतु विचारोत्तेजना के अतिरिक्त इसका कोई परिणाम नहीं निकला, बल्कि कुछ देर तक प्रतिक्रिया ही प्रबल रही। परंतु फिर ब्रह्म समाज की स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वतंत्रता पर जोर देने के कारण सामाजिक कुप्रथाओं आप से आप खंडित होने लगी। इसी आंदोलन के फलस्वरूप सिविल मैरिज कानून बना और नारी के स्वतंत्र व्यक्ति को स्वीकृति मिली। बंगाल में नई चेतना को जन्म देने में वहां के धार्मिक कॉलेजों का भी प्रमुख हाथ रहा है। यद्यपि उसकी स्थापना शरद के जन्म से 60 वर्ष पूर्व हुई थी, परंतु कालांतर में यह बंगला के पाश्चात्य विद्या और शिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया था। इस कॉलेज की शिक्षा हेनरी डिरोजियो ने बड़ी निर्भीकता से विद्यार्थियों का परिचय लेकर बेकन, रूसो और थॉमसन पेन जैसे नवयुग के मनुष्यों के कराए और एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करके दार्शनिक, सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर आलोचना आरंभ की। इस संस्था के जो प्राण थे वही यंग बंगाल के नाम से प्रसिद्ध हुए और प्राचीन पंथियों के लिए आतंक बन गए। ये कहना अतियुक्ति न होगी कि इन युवकों में जहां स्वतंत्र चिंतन और प्रगति की ज्योति प्रज्वलित हुई, वहां पश्चिम के कुछ संस्कार भी उन्होंने ग्रहण कर लिए। कुछ लोग ईसाई भी हो गए। ये नव युवक इतने जोशीले थे कि उन्होंने शराब पीना भी आरंभ कर दिया। ऐसा करके वे अपने माता पिता पर यह प्रकट करना चाहते कि वे प्रगतिशील हैं और उनसे भिन्न हैं। शराब पीने की यह प्रवृत्ति बहुत देर तक प्रगति का लक्षण समझी जाती रही। तन से वे वहां के नागरिक, लेकिन तो मन से बाहर के व्यक्ति के प्रति असंतोष भी कम नहीं था। उस समय के एक समाचार पत्र के संपादक ने लिखा था, क्या वहां के धार्मिक कॉलेज में एक नए ढंग के मनुष्यों की नींव नहीं रखी जा रही? वहां के धार्मिक कॉलेज के समाज के धार्मिक भावनाओं को जैसे गहरी ठेस पहुंचाती है, क्या उसका संतास भी मिशनरियों के आंदोलन से पहुंची थी? इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी भारत के
नवोत्थान की लहर उठी। इसे पुनर्जागरणवाद कहना सत्य के साथ अन्याय होगा। वास्तव में यह सत्यों का पुनर्जन्म था। यह क्रांति नए युग की सूचक थी और बंगाल था जो उसमें अग्रणी। एक तो कलकत्ता अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, दूसरे बंगालियों में भावुक प्रवृत्ति के कारण बड़े प्रभावशाली भाषणकर्ता और लेखक बनने की क्षमता थी। ईश्वर चंद विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकेल मधुसूदन दत्त और कुमारी तारुम दत्त आदि कुछ नाम इस क्षेत्र में पर्याप्त होंगे। लेकिन ये आंदोलन जनता के मन के भीतर से होकर प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए व्यवहारिक रूप से समाज का एक छोटा सा भाग ही इनमें आंदोलित हुआ और शेष पुरानी रूढ़ियों से चिपका रहा। जो व्यक्ति सुधार दल में शामिल हुआ उन्हें पुरातन पंथियों ने जाति बहिष्कार करके अपमानित लज्जित करने की चेष्टा की। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बाय।